बहुत सारे लोग मास्क को लेकर उतने सजग नहीं रह जाते, उन्हें लगता है कि चलो अब तो वैक्सीन आ गया। अब हिंदुस्तान में पहली डोज मिलने से पहले ही वाकई गले के आसपास लटका हुआ मास्क मिल जाता है, तो ऐसा लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर डॉक्टर्स भी यही बात आपको कह रहे हैं कि दवाई तो आ रही है, अपने रास्ते से आ रही है और आगे भी देखेंगे, लेकिन संक्रमण से बचने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कम से कम उन बेसिक नियमों का पालन कर लें। डॉक्टर पारिक, चूंकि ठंड की बात हमने की थी और ठंड के दौरान इस तरह के सिम्टम्स की बात, तो उसमें एक बड़ी व्यवहारिक चीज, एक बहुत प्रैक्टिकल मुसीबत लोगों के सामने आ जाती है, वो ये कि गर्मी के मौसम में जब कोरोना का ये संक्रमण आया, तब कहा गया कि जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अच्छे से नहा लें और उसके बाद। अब ठंड के इस मौसम में बड़ी लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि अब कोरोना से बचने के लिए उस 2 डिग्री या 0 डिग्री की ठंड में भी जाकर वही पूरा रूटीन अपनाना पड़ रहा है। जी नमस्ते। अभी जो कुछ मेरे कलीग्स ने कहा है वो सचमुच है और उसको मैं वापस बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये ठंड के मौसम के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि ठंडी का असर नहीं हो रहा है वायरस पर, हम लोग वायरस की मदद कर रहे हैं। हम लोग वायरस की मदद हमारे बिहेवियर से कर रहे हैं। तो जो इंग्लैंड में होता है, इधर होता है, पूरी दुनिया में होता है, वो यह होता है कि जब ठंडी आती है तो लोग अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। और वो अंदर रहने से, उसी हवा को वापस ब्रीथ करने से ये वायरस बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए, जैसे हमको बताया है कि ये वायरस तो म्यूटेट होते जा रहा है, इसका अवतार बदलता है। जैसे पहले रामायण महाभारत में लिखते थे कि राक्षस का अवतार बदलता है और फिर लोगों को पहचाने में दिक्कत होती है, वैसे ये म्यूटेशन तो रहता है। लेकिन फिक्र की ये बात है कि इस समय जो वायरस में म्यूटेशंस हुए हुए हैं, 23 कम से कम म्यूटेशन हुए हैं, उसमें से 8 म्यूटेशन एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन पे हुआ है, जिससे वायरस अंदर आ सके। तो ठंडी में अगर हम लोग घर में ही रहेंगे तो इससे इंफेक्टिविटी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं लेकिन उससे वायरस को कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए वो चले जाते हैं। फ्लू का जो वायरस होता है और 10 साल म्यूटेट होता है, लेकिन क्या होता है जब वैक्सीन तैयार होता है तो म्यूटेशन के प्रेपरेशन में वैक्सीन पहले से ही तैयार हो जाता है और बहुत टाइम वो प्रिडिक्शन सही रहता है। काफी ऐसे भी हो जाता है कभी कभी कि वो गलत हो जाता है। अभी जब हमने, और मैंने आपके साथ चर्चा भी की है इसके बारे में, जब हमने मार्च में हमारे कोरोना वायरस की किताब लिखी थी, उसमें 6 पन्ने, 2000 से ज्यादा शब्द सिर्फ म्यूटेशन पे थे, क्योंकि हमको गए मार्च में ये फिक्र थी कि ये तरह का म्यूटेशन आ सकेगा। और हमने लिखा है हमारी किताब में, जो हमने लिखी थी, उसे अभी 40 चीजें, एक्सक्यूज मी, प्रिडिक्शन सही आ गई है, और उसमें से एक ये म्यूटेशन का था। तो म्यूटेशन तो आने वाला ही था, म्यूटेशन और भी हो सकता है, होने वाला है, लेकिन हमारी जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा ये वायरस की मदद कर रही है। तो ठंडी हो या गर्मी हो, जब तक, जैसे मेरे कलीग्स ने बताया है, हम बराबर ठीक तरह से प्रिकॉशंस लेंगे तो वही सबसे ज्यादा हमारी मदद कर सकता है और वायरस को रोक सकता है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जो वायरस है वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरह से कहें बदल रहा है, या जिस भी तरीके से नए रूप रंग में नजर आता है, क्या जो एंटीबॉडीज एक व्यक्ति डेवलप करता है इस दौरान, जिसको कोरोना हो चुका हो उसके शरीर में एंटीबॉडीज हो, या फिर जो हम प्लाज्मा थेरेपी भी देखते हैं जिसके जरिए एंटीबॉडीज दी जाती है किसी व्यक्ति को, क्या वो एंटीबॉडीज नए वायरस से लड़ने में उतनी ही सक्षम रहती हैं? श्वेता जी, आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा है। आजकल हर व्यक्ति के दिमाग में दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। एक कि क्या जिसको पुराने स्ट्रेन से कोरोना हो चुका है उसको क्या ये एंटीबॉडीज होने के बावजूद ये नया स्ट्रेन दोबारा से इन्फेक्ट कर लेगा, एक। और दूसरा, जो हमारी वैक्सीन डेवलप हो रही है, जो कि होपफुली कुछ दिन में आने वाली है, तो वो पिछले स्ट्रेन के अगेंस्ट डेवलप की गई है, तो ये वाले स्ट्रेन के खिलाफ वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। अगर आप हार्ड डेटा की बात करें तो सच्चाई ये है कि अभी एविडेंस बेस्ड हार्ड डेटा हमारे पास इन दोनों ही सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि तो इस म्यूटेंट स्ट्रेन को आए हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं और इन सवालों का एविडेंस बेस्ड जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन
जो एविडेंस अवेलेबल है उसमें और जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसके बेसिस पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या अमाइनो एसिड के लिए नहीं होती हैं, वो एक पूरे सीक्वेंस के खिलाफ होती हैं। और उस सीक्वेंस में अगर एक आध अमाइनो एसिड में कुछ वेरिएशन हो जाएगा तो अनलाइकली है कि पूरे वायरस के जीनोम के खिलाफ जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं वो टोटली इनइफेक्टिव हो जाएंगी। और यही एनालॉजी वैक्सीन के टर्म्स में भी दी जा रही है कि जो वैक्सीन डेवलप हो रही है वो पूरे वायरस जीनोम के खिलाफ है, और अगर उसमें बीच में कहीं एक आध अमाइनो एसिड में कुछ इधर उधर वेरिएशन हुआ तो उससे वो पूरा सेट इनइफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा अनलाइकली है। तो एविडेंस अभी न प्लस में है न माइनस में है। मानना जानकारों का यह है कि शायद वो एंटीबॉडीज इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेंगी, वो वैक्सीन्स इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी इफेक्टिंग होंगी, लेकिन हार्ड एविडेंस आना बाकी है। एक चीज जरूर साइंटिस्ट ने कही है कि अगर बाय चांस ये वैक्सीन इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं भी हुई तो चूंकि मेन जो वायरस जीनोम है उसके खिलाफ वो वैक्सीन बना चुके हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करके उसको इस स्ट्रेन के खिलाफ भी इफेक्टिव बनाने में उनको चंद हफ्तों का ही टाइम चाहिए होगा, जितना टाइम अभी लगा है इस सब की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ट्वीकिंग करके वो उसको इसके इफेक्टिव भी कर सकते हैं।